اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره تحريم كي پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 6 يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره

जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर जिस पर सख्त दिल मज़बूत फरिश्ते मुकर्रर हैं जिन्हें जो हुक्म अल्लाह ताला देता है उसकी नाफ़रमानी नहीं करते बल्कि जो हुक्म दिया जाए बजा लाते हैं ये आम मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से ऐलान है थोड़ी तशरी सुन लीजिए इसमें अहल ईमान को उनकी एक नहायत अहम ज़िम्मेदारी की तरफ तवज्जो दिलाई गई है और वो है कि अपने साथ अपने घर वालों की भी असलाह और उनकी इस्लामी तालीम और तरबियत का अहतमाम करना चाहिए ताकि ये सब जहन्नम का ईंधन बनने से बच जाएँ ये नहीं कि बाप जो है सिर्फ द्दीन का काम कर रहा है और बेटा जो है जहन्नम की तरफ जा रहा है बेटी जहन्नम की तरफ जा रही है फरमाया ना हमारे वाले साहब रमोत ला फरमा देते इसकी तफसीर में खुद भी खाओ भी बच्चों को भी खिलाओ यानी ख़ुद भी दिन पर चलो भी बच्चों के दिन का भी फिक्र करो बाद लोग ऐसे होते हैं ख़ुद अपने दिन का फिक्र करते हैं सर्दी की रातों में बाहर बेटा लेटा हुआ है रजाई गिरी हुई है नीचे अब जो है देख रहा है कि बेटा बेचारा जो है वो ठंडी में है तो बाप जो है जाते हुए रजाई बेटे के सर पे बेटे के बदन पर डाल देता है कंबल डाल देता है और बस जुबान हाल ये कहता है बेटा मैं तो जन्नत की तरफ जा रहा हूँ फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और जहन्नम में जा आज कल आम तौर पर ये हो रहा है कि बाप तो दीनदार है लेकिन बीवी बच्चे दीनदार नहीं माँ तो दीनदार है लेकिन शोहर दीनदार नहीं बच्चे दीनदार नहीं बच्चियाँ दीनदार नहीं इसलिए इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ख़ास तौर से ख़िताब किया यादीना आमनू र ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ इसलिए उनके दीन का फ़िक्र करना भी ज़रूरी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब बच्चा सात साल की उम्र को पहुंच जाए तो उसे नमाज की तलकीन करो और दस साल की उम्र के बच्चों में नमाज़ से तसाहुल और गफलत देखो तो उनकी तंबीह करो मारने का भी हल्के तरीक़े से उन्हें समझाओ हमारे फ़कहा ने लिखा है नमाज़ पढ़ाओ किसी तरीके से चाहे मार कर पढ़ाओ चाहे लाख रुपया देकर पढ़ाओ चाहे चॉकलेट देकर पढ़ाओ किसी तरीके से नमाजी बनाओ खुलासे कलाम ये है उसमें तसाहल नहीं बरतने चाहिए फका ने लिखा है कि इसी तरह रोज़े उनसे रखवाए जाएँ और दिगर अहकाम के इतबाकी तल्क इन्हें की जाए ताकि जब वो शुरूर की उम्र को पहुँचें तो इस दीन हक का शुरूर भी उन्हें हासिल हो चुका हो ये अल्लाह ताली के यकाम हैं खुलासा कलाम ये खुद भी दीनदार बनिए बच्चों को भी दीदार बनाइए हमारे साथियों को मैं कहता हूँ आप चिल्ले में जाते हैं तीन चिल्ला देते हैं बहुत सारा आँखों पर बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन अपने घर वालों का भी फिक्र करें अपनी अप, अपने दीन की फिक्र करना फ़र्ज फ़र्ज़ैन है और दूसरे के दीन का फ़िक्र करना फ़र्ज तो फ़र्ज़ैन नहीं है वो फ़र्ज़ किफाया है ख़ुद खाना ज़रूरी है दूसरों को खिलाना ही ज़रूरी नहीं है वह वो एहसान में आएगा आज आदमियों को दूसरों का फिक्र होता है अपना फ़िक्र नहीं होता इसलिए यह आज खास तौर से मुतवज्जे कर रही है ख़ुद भी दिन पर चलो दूसरों और अपने औलाद को भी दिन पर चलाओ बी बच्चों को भी दिन पर चलाओ उसकी तरतीबें करो और फिर जो है दूसरों तक भी दिन पहुँचो उसकी कोशिश करो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तोहफी कता फरमाएँ पढ़ लीजिए मेरे साथ रब्बी जालनी मुकैमती मुमिन दुर्रियती रबना व तकबल दुआ अल्लाह ताली हमारी क़्यामत तक की आने वाली नस्लों को दीनदार भी बनाए और नमाजी भी बनाए आफ़ियत के साथ आमीन व अखरुदावाना अलहमद लाबिलमी